नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की तरफ से 2 दिवसीय जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से पानी बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में पानी दें। हरियाणा सरकार ने बीते कल और आज यानी 26 और 27 अप्रैल को पंचकुला में 2 दिवसीय जल सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया। सीएम ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन समेत पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि हम सभी का दायित्व तो बनता है कि जिस प्रकार से हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी तरह से हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल दें। सीएम ने किसानों से अपील की है कि जल संरक्षण के लिए पिछले साल जिस प्रकार लगभग 1.5 लाख एकड़ में धान के क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती की है, उसी तरह से इस साल भी धान की जगह कम पानी वाली खपत की फसलों की खेती करें। साथ ही जिन क्षेत्रों में धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती नहीं होती है, उन क्षेत्रों में किसान DSR पद्धति से धान की बुआई करें, जिससे लगभग 50% पानी की बचत होती है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्रोत नहीं है, पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। देखिए, जैसे हमको मालूम है कि जल का अपना एक महत्व है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और जिस प्रकार के आगे हमको संकट दिखाई दे रहे हैं उसमें जल की उपलब्धता, जल का उपयोग और उसमें जो आने वाली कमी है, इसको अगर हम आज ही विचार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अंधकारमय है। तो हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएँ पिछले 8 से 9 साल में बनाई भी हैं। 2 साल की हमने द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना पर भी काम किया। उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब इस जो जल गोष्ठी है, इसको प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत जल क्रांति ये नाम दिया है, तो उस अमृत जल क्रांति के अंतर्गत अभी भी काम करना जो शेष है, 10 विभागों की ये गोष्ठी हमारी है, उसके अंदर पानी की प्राप्ति जो हमको हो रही है उसमें जहाँ जहाँ अड़चने और कैसे उसको ठीक किया जाए, खास करके जो हमारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और हमारा जो शेयरिंग है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी है, राजस्थान के साथ भी है, पंजाब के साथ है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी विचार सब हुआ है। फिर उस पानी का कैसे हम ज़्यादा ज़्यादा संग्रह कर सकें, पानी की रिचार्जिंग करके ज़मीन के अंदर पानी को ज़्यादा ज़्यादा कैसे भेज सकें, क्योंकि ज़मीन में पानी जितना रिचार्जिंग होती है अभी उसका दोहन ज़्यादा हो रहा है, पानी का जो डिप्लेशन है उसका जो लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। जो पानी हम उपयोग करते हैं उस पानी को दोबारा से प्रोसेस करके और उसको रीयूज़ करने के लिए उसके प्रबंध क्या क्या किए जाएँ, एग्रीकल्चर में फसलों में पानी का उपयोग कैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से हो, कम कैसे कर सकें, खास करके धान के अंदर जो हमने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो DSR की हैं और चाहे मेरा पानी मेरी विरासत है, उसमें धान की बुआई कम करके डाइवर्सिफाइड करके फसलों को उगाएं और उनका बिक्री, उनकी मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था करें। हरियाणा में केवल वर्षा का पानी और पहाड़ों से प्राकृतिक तौर पर प्रवाहित होने वाला पानी ही हमारा मुख्य स्रोत है। हरियाणा में यदि वर्षा की बात की जाए तो यहाँ 5 इंच यानी कि 150 मीटर औसतन बारिश होती है। इसके अलावा यमुना नदी से पानी की पूर्ति होती है। सतलुज रावी ब्यास का पानी भाखड़ा डैम के माध्यम से हमें मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर पानी के उपयोग के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा हितधारक किसान है, क्योंकि अधिकांश पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उद्योगों तथा घरों में भी पीने के अलावा अन्य कार्यों में पानी की अधिकतर खपत होती है, लेकिन पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। आज प्रदेश के 85 ब्लॉक डार्क जोन में है। पानी का रेगुलेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमको मजबूत सी, ताकि वेस्ट ना जाए पानी,
पिछले दिनों इरीगेशन डिपार्टमेंट ने हमारा चैनलाइजेशन का जो कार्यक्रम है लगभग 2500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी, खास करके यमुना नहर की, उस पर काम चल रहा है। अभी भी 3 दिन पहले मूणक हेड के ऊपर एक पैरेलल दिल्ली ब्रांच का मैं शिलान्यास करके आया हूँ, हालांकि काम शुरू हो चुका है उसका। हमने दक्षिण हरियाणा में भी जो लिफ्ट इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, वेस्टर्न यमुना कैनाल का दोनों जो नहरें हैं उनका काम चल रहा है। क्योंकि चैनलाइजेशन जितना अच्छा होगा, खेत में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हमको सुविधा होगी, हम उसमें चोरी नहीं होने देंगे। जितना पानी है उसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा उपयोग, फिर इसके प्रबंधन में हमको मेयरिंग सिस्टम ये भी अपने करने पड़ेंगे। लगभग 1700 पीजोमीटर लग चुके हैं, इतने ही हैं, बड़े तो नहीं कुछ, 1700 हो गए हैं। कितने की योजना है हमारी, है सभी गांव 6500 गांव में गांव लेवल पर हमको पता लगना चाहिए कहां पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, ताकि हम उसका कोई प्रबंधन कर सकें। इसके लिए जो कोई नियम बनाना पड़ेगा नियम बनाएंगे, जो उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी है वो भी लगाएंगे। क्योंकि पानी को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और जनता का मानस यह है ठीक है पानी पर क्या पैसा लगता है, पानी जितना मर्जी यूज करो, लेकिन रेगुलेट करने के लिए उसका कंसीडरेशन भी एक सिस्टम होता है, उसको करना पड़ेगा। शहरी हमारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग है और मुनिसिपल बॉडीज है, उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको पता है कि वो कठिन बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि किसानों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है, इसके लिए आईईसी गतिविधियों को जोरों शोरों से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इन समर्पित प्रयासों से निश्चित तौर पर हरियाणा में जल को बचाने की दिशा में सार्थक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में सर्वाधिक फसलों को MSP पर खरीदने वाला राज्य है। किसानों को धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, कपास और मक्का इत्यादि की बुआई को अपनाना चाहिए। हम किसानों को अन्य फसलों के विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। सीएम ने कहा कि कोई संस्था या कोई सरकारी संगठन भी यदि हरियाणा में प्राकृतिक खेती के डेमोन्स्ट्रेटिंग फार्म तैयार करने के लिए आगे आएगी तो राज्य सरकार की ओर से उन्हें 50 या 100 डेमोन्स्ट्रेटिंग फार्म तैयार करने के लिए जमीन मुहैया करवाएगी। वो संस्था सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करके कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती करने जैसे अलग अलग उपायों को अपनाकर प्राकृतिक खेती करेगी। किसानों को ये डेमोन्स्ट्रेटिंग फार्म दिखाए जाएंगे ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाने की ओर प्रेरित किया जा सके। और सबसे ज्यादा काम को करना पड़ेगा जन भागीदारी, जहां जहां खपत ज्यादा हो रही है उस खपत को कम कैसे करना। हर घर नल से जल एक अभियान चलाया है, अब उसमें से कोई कहे के पानी ज्यादा लगता, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उसे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है तो पानी का उपयोग जितना है उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी, तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीने के पानी तथा अन्य उपयोगों को मिलाकर भी पानी की खपत सिंचाई में अधिक होती है। हरियाणा में 80 लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है। यदि औसतन 2 फसलें भी लेते हैं और औसतन 3 बार पानी लगाते हैं तो सिंचाई के लिए 24 MAF पानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानी को बचाने के अलावा आज दूसरी आवश्यकता पानी को रिसाइकल करके उसका उपयोग करने को बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान की उपज के बजाय अन्य फसलों की खेती के लिए किसानों को 7000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। इस योजना को और सुदृढ़ बनाना है। विश्वविद्यालय इस दिशा में अनुसंधान करे और बागवानी से संबंधित विशेषज्ञ भी सिंचाई में खपत होने वाली पानी की बचत का सुझाव दे। और अंत में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काम सब किए जा सकते हैं, बड़ी सीमा तक किए जा सकते हैं, बड़े लेवल तक किए जा सकते हैं, तेजी से किए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन हमारी बजट की जरूर है। इस बजट का कहां कहां से हम उपलब्ध करा करके, और अपने ट्रेजरी से हो जाएगा अच्छा है, ट्रेजरी से नहीं हो
तो अतिरिक्त रिसोर्सेज जितने मिल सके उतने लगाने चाहिए, और लगाने के बाद हर एक विभाग को इन कामों को अपने लेवल पर उसकी एक जिसको कहना चाहिए मास्टर प्लान, मॉडल प्लान ये बनानी चाहिए। ये ठीक है कि फिर जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है एक टाइम प्लान के हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, भी इतना काम इस साल करते हैं, इतना अगले साल करेंगे, इतना उससे अगले साल करेंगे। हो सकता है पूरा काम एक ही साल में पूरा ना हो, लेकिन लंबी प्लान के लिए भी इनिशियली एक उसका होलिस्टिक जिसको कहना चाहिए उसका व्यू पॉइंट ये बनना चाहिए कि क्या हरियाणा में ये सब हम कर सकते हैं क्या। संगोष्ठी के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य संस्थाओं द्वारा समय समय पर की गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से वेस्टर्न जमुना कनाल को मजबूत किया गया है, जिसका कार्य अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इससे पानी की बचत भी होगी और पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी। अगले 1-2 साल इसके ऊपर पूरा काम करके कम से कम 2025 तक हम इस पर काम करके और पानी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकें, क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, जितना है उतना है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती आवश्यकता के चैलेंज को स्वीकार करके और हमने ये योजना जो बनानी शुरू की, इसके लिए सेमिनार है और बहुत अच्छा सेमिनार चल रहा है। किसानों को यह कहा है कि जैसे पिछले साल 2 सालों में लगभग 1.5 लाख एकड़ और धान की बिजाई कम की गई है, इसको और बढ़ाया जाए। DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसमें पानी की बचत होती है, माइक्रो इरिगेशन का एरिया कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर इंसेंटिव जो हम दे रहे हैं और उसकी अवेयरनेस अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, उस अवेयरनेस को हम करेंगे और अवेयरनेस के साथ जो इंसेंटिव सब मिला करके। और पानी की चिंता वास्तव में आम आदमी को तो है, लेकिन जो छोटा किसान है, जो जिसकी आजीविका है खेती के ऊपर है, तो वो उसकी चिंता उतनी नहीं होती है। हम उसको कंपनसेट करके उससे भी पानी कम उपयोग इस आह्वान करेंगे और मैं समझता हूँ कि जितनी सफलता हमको मिली है, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा सर्वदूर। हमारा चाहे वो केंद्रीय वाटर जो हमारा डिपार्टमेंट है, इरीगेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री जी या अन्य जो संस्थाएँ हैं, उन सब ने इसकी प्रशंसा की है। हरियाणा में पानी का काम अच्छा हो रहा है। हमारी जो बॉन्ड अथॉरिटी है वो भी इस पर काम कर रही है, लगभग 18,000 तालाब उनको रेनोवेट करना है। हमारा जो इरिगेशन का चैनलाइजेशन सिस्टम है उस पर भी 2,500 करोड़ रुपए के 3 साल पहले हमने योजना बनाई थी, खास करके वेस्टर्न यमुना कैनाल की, वो भी काफ़ी मात्रा में पूरा हो चुका है। अब उसमें और अगले साल के अंदर मैं समझता हूँ पूरा काम। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 महीने के लिए PDS के जरिए डिपो पर बाजरे की सप्लाई के लिए अनुमति ली। हमें 5 महीने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन बाजरे की उपलब्धता उतनी नहीं थी। इसके अलावा PDS में मक्का को भी जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मोटे अनाज की फसलों में से राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है, इस पर अनुसंधान करें। उन्होंने कहा कि पहले गांव में तालाबों के माध्यम से पानी का संग्रह किया जाता था और उनका उपयोग भी सुनिश्चित होता था। आज के समय में तालाबों के पानी का उपयोग कम होता जा रहा है, इसे बढ़ावा देने के लिए तालाब पूजन की प्रथा शुरू की जाए। साल में एक दिन या किसी विशेष दिन पर गांव में तालाब का पूजन किया जाए, इससे एक तरफ पवित्रता का भाव आएगा तो दूसरी तरफ पानी का संग्रह भी होगा। तो वहीं समापन सत्र में विशेषज्ञों ने पानी को बचाने और सिंचाई में पानी की खपत को कम करने के लिए अलग अलग सुझाव भी दिए। सोलर ट्यूबवेल के अलावा मोबाइल सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना, DSR पद्धति से धान की बुआई, रेनिवल योजना की तकनीकी रूप से सुदृढ़ीकरण करने जैसे अनेक सुझाव आए। सीएम ने अधिकारियों को संबंधित सुझावों का विस्तार से अध्ययन कर नई योजना बनाने और पायलट प्रोजेक्ट लगाने के निर्देश भी दिए। पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में सीएम मनोहर लाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अहम मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। शिक्षा के स्तर को उठाने से लेकर के तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा की गई जिससे एजुकेशन पॉलिसी का लाभ मिल सके और सरकारी स्कूलों में छात्रों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। सीएम मनोहर लाल ने खुद स्कूली पाठ्यक्रम भी देखा और साथ ही किस विषय पर कितना टाइम खर्च हो इस पर भी चर्चा की गई। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की जरूरत है, ताकि बच्चे बचपन से ही ज्ञानवान बनने के साथ साथ संस्कारवान भी बने। इसी दिशा में सीएम ने पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सीएम ने खुद स्कूली पाठ्यक्रम को देखा और अधिकारियों से किस किस विषय के लिए कितना समय सुनिश्चित किया जाए इस बारे में विस्तार से चर्चा की, ताकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुसार बच्चों का चरित्र निर्माण भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता पारक शिक्षा प्रदान करने तथा ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश में पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की दिशा में भी कार्य योजना तैयार कर जल्द उसे क्रियान्वित किया जाए। आज के काल में आधुनिक काल के अंदर शिक्षा में जो अन्य पद्धतियां ये सब शुरू हुई, हमारा देश जब गुलाम था उस समय मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमको शिक्षित नहीं किया जा रहा था, हमको साक्षर किया जा रहा था। 3 R एजुकेशन दी जा रही थी, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, और इसी में से ये माना जाता था कि इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से क्लर्क की शिक्षा दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, तो उनको विचार करना ही होगा कि शिक्षा का हेतु मात्र इतना नहीं है। शिक्षा के स्टेक होल्डर्स में शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, शिक्षण है, लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु है शिक्षा का हेतु, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम अपने नागरिक को कहां ले जाना चाहते हैं, कहां पहुंचाना चाहते हैं। आज स्वतंत्र भारत में हम अपने नागरिक को स्वाभिमानी नागरिक अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर देश की आजादी, स्वतंत्रता, उसका अनुभव उसको नहीं हो सकता। आज भी अगर हम उसी मैकाले की शिक्षा पद्धति के नीचे दबे रहेंगे तो फिर देश की आजादी का मतलब क्या है। श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं जिन्होंने एक दिशा देकर के हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है, केवल साक्षरता ही नहीं तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं जिन्होंने भी इसमें योगदान किया, क्योंकि बहुत बड़ी संस्थाओं को इसमें एक प्रकार से परामर्श लिया गया, आम जनता से भी परामर्श लिया गया, शिक्षाविदों ने तो यानी परामर्श दिया ही दिया, और लगातार कई वर्षों के इस अभ्यास के बाद ये जो हमारी शिक्षा नीति बनी है 2 लाख लोगों से भी इसका एक प्रकार से परामर्श लेने के बाद इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। हमारे यहाँ शिक्षा के कई आयोग बने हुए हैं, यानी 4 आयोग जिनकी जानकारी मुझे है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 4 आयोग बने हुए हैं। सब मिलकर के अभी तक जो हमको प्राप्त करना चाहिए था उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जिन चीज़ों को मिलाया है, जिसका एक लक्ष्य रखा है कि हमारे देश की संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक शिक्षा हमारे हाथों में हो और ये शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जहाँ तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ये शिक्षा दी जानी चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। आज हरियाणा शिक्षा क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं है। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
देश में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। बीते 8 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर शिक्षा में सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा में 124 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल का दर्जा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर चुकी है, जिसके बाद हरियाणा भी तत्काल प्रभाव से नए शिक्षा सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है, जिसके बाद से सरकार शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। पीएम श्री स्कूलों के शुभारंभ के लिए शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए जाने के बाद से हरियाणा में पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक सभी स्कूलों को CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा 4 वर्ष की विद्यालय विकास योजना बनेगी, जिसके अनुसार ढांचागत विस्तार किया जाएगा। स्कूलों में विशेष स्क्रीनिंग एवं प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालयों में उत्कृष्टता स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के पीएम श्री स्कूलों को नई तकनीकों के समावेश के साथ आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण रखा जाएगा। डिजिटल शिक्षा का उपयोग करने के लिए ICT, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को 21वीं सदी की तकनीक से रूबरू कराया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा की बाधाओं को खत्म करने के लिए तकनीकी उपायों का उपयोग करते हुए मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। इन विद्यालयों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने के लिए स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और वोकेशनल लैब आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।